डिस्क्लेमर, इस वीडियो को देखने के हाँ बाद अगर तुम्हें लगता है कि मैंने जरा सा भी सोनी या फिर सिंचन को हेट दिया है तो वो चीज आप अपने दिमाग से जरूर निकाल देना। लेकिन अगर तब भी आप तक हेट पहुंचता है तो फिर यार उस हेट को एक चाटा मार के वापस से मेरे घर भेज देना, मैं उसे समझा दूंगा। मजाक था। तो देखो यार, हमारा सोनी हम लोगों को चार चार आठ आठ मूवीज हर तो एक एक दो दो महीने के अंदर दिखा रहा है, जो कि यार काफी ज्यादा ही अच्छी बात है। एंड ये चीज आप लोगों को भी पता ही होगी। बट आखिर तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर मैंने यार थंबनेल के अंदर ऐसा क्यों लिखा है कि हमारे सिंचन की और मूवीज क्यों आ रही है। यार ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि और ज्यादा सिंचन की मूवीज आएगी तो और ज्यादा हम लोगों को देखने में अच्छा लगेगा। बट क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि यार तुम लोगों को इतनी सारी मूवीज देखने को मिल रही है, इससे क्या सिंचन की आगे भी हाइप क्रिएट होती रहेगी? क्योंकि यार तुम लोगों को भी पता है कि जब ये सोनी वाले हर एक महीने के अंदर चार चार मूवीज दिखा रहे हैं तो उनका प्रोमो भी यार इतनी जल्दी इन लोगों को रिलीज कर देना चाहिए। बट ये लोग प्रोमो कब रिलीज करते हैं? ये लोग रिलीज करते हैं जिस दिन मूवी आने वाली होती है उससे एक दिन पहले। एंड एक दिन पहले भी नहीं, एक दिन रात को। मतलब यार अभी यार हमारी जो स्मेलीज एम्बिशन वाली मूवी थी उसका प्रोमो आने वाला था, एंड उसका प्रोमो आता है भाई एक दिन पहले रात को, यानी कि 11 बजे। एंड यार मैं भी काफी ज्यादा शॉक में था कि यार इतनी लेट ये लोग प्रोमो क्यों रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि यार इससे हाइप क्रिएट नहीं होगी। एंड हाइप तो दूर की बात है, कई लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि न्यू मूवी आ रही है। एटलीस्ट यार इन लोगों को इंस्टाग्राम पे तो यार रिलीज करना ही चाहिए, ताकि इंस्टाग्राम पे भी इन लोगों को पता चल सके, काफी सारे लोगों को पता चल सके कि सिंचन की न्यू मूवी आ रही है। बट हाँ, एक चीज तो है, अब तुम लोग यार कमेंट में एक चीज ये जरूर बताना कि तुम लोगों को क्वालिटी चाहिए या फिर क्वांटिटी। अब जहां पर तुम लोगों को यार एक महीने के अंदर चार चार मूवीज देखने को मिल रही है, वहीं पे अगर तुम लोगों को एक महीने के अंदर एक मूवी दिखाई जाए, वो भी एकदम ही कमाल के डबिंग के साथ, कमाल की मूवी एकदम ही तुम लोगों को देख के मजा आ जाए, तो तुम लोग क्या चूज करना चाहोगे? एक महीने के अंदर चार मूवीज या फिर एक महीने के अंदर एक सबसे खतरनाक मूवी? होप्स तुम लोग यार एक महीने के अंदर एक काफी ज्यादा क्वालिटेड मूवी चाहोगे जो कि काफी ज्यादा देखने में मजा आ जाए। एंड अब तुम लोगे कि भाई ये बंदा पागल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो मैं तुम लोगों को साफ से बताता हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या क्या हुआ था। देखो अगर मैं किसी से भी पूछता था कि सोनी पर जो नई मूवी आ रही है उस पे तुम्हारा क्या रिएक्शन है या फिर तुम्हें कैसा लग रहा है, तब यार सामने वाले बंदे का एक ही जवाब होता था कि यार हमारे जो सिंचन है उसकी तो वॉइस ही हम लोगों को समझ में नहीं आती है कि आखिर वो क्या बोल रहा है। एंड एटलीस्ट यार यही नहीं, हम लोगों को हंगामा की डबिंग ही काफी ज्यादा पसंद आती है। एंड यही चीज यार उनका कहना होता है, एंड यही चीज मुझे बताते हैं हर बार। अगर मैं भी कई बार तो यही सोचता था कि हंगामा की डबिंग यार ज्यादा अच्छी थी सोनी से। एंड यस, ये ट्रुथ है, एंड इतना बड़ा ट्रुथ है कि तुम लोगों को डार्क लग रहा होगा, बट यही सच है। तो यार देखो अब इसमें सोनिया की भी गलती नहीं है, क्योंकि यार उन लोगों को टीआरपी मिल रही है। अभी के टाइम पे यार सोनिया की जितनी हाइप है, मतलब सोनिया की क्या सिंचन की जितनी हाइप है उतनी किसी भी एनिमे कार्टून की नहीं है। इवन यहाँ तक कि जो नारुतो आ रहा है उससे भी ज्यादा हाइप क्रिएट हमारी सिंचन की हो चुकी है। हाँ वो तो होगी ना यार, क्योंकि अब 8 साल बाद अगर कोई मूवीज आएगी सिंचन की तो भाई ऑब्वियसली बात है यार हर किसी को देखनी होगी। बट अगर तुम लोग यार सोचो ना कभी तो ये सारी मूवीज खत्म होगी ना। हाँ बट ऐसा नहीं है कि हम लोगों को आगे मूवीज देखने को नहीं मिलेगी, जापान में मूवी रिलीज होती रहेगी, ये लोग डब करते रहेंगे, बट कभी ना कभी ये मूवीज खत्म होगी, फिर से तुम लोगों को एक एक दो दो साल का वेट करना पड़ेगा सिंचन की मूवीज को देखने के लिए। एंड तुम लोगों को भी पता ही होगा कि हंगामा जब यार पहले मूवीज रिलीज किया करता था सिंचन की, तो वो यार एक साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा दो मूवीज रिलीज किया करता था, वो भी यार एकदम ही खतरनाक डबिंग के साथ, जिसे देखने के बाद तो भाई मजा ही आ जाता था। एंड चाहे तुम लोग यार उस मूवी को अभी देख लो, अभी उठा के देख लो और मजा ही कुछ अलग ही होगा। बट पता नहीं यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या फिर आप लोगों के साथ भी हो रहा है कि यार सोनी पर अब मूवीज देखने का मजा वो नहीं रहा जो कि हमें पहले देखने को मिलता था। एंड यस, अगर तुम लोग यार पहले अगर जो हमारी सोनी पर पहली मूवी आई थी, यानी कि हमारी जो सिंचन की 3D मूवी थी, अगर तुम लोगों को उसकी न्यूज मिली होगी तो सच में यार उस टाइम का जो रिएक्शन था हमारा वो काफी ज्यादा ही कमाल का था। अगर तुमको यकीन नहीं होता है तुम लोग यार मेरी पुरानी वीडियोस में जाके उस वीडियो को देख सकते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आता था। बट अभी अगर कोई मूवी आती है तो भाई उसका कोई मतलब ऐसा लगता है कि भाई अब तो नॉर्मल सी बात है, मूवीज आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे यार काम चला लेंगे, बिल्कुल भाई ऐसा ही रिएक्शन होता है। मैंने यार ये चीज बहुत बार नोटिस करी है, क्योंकि जैसे ऐसे मूवीज आती जा रही है एंड इसके बाद भी और मूवीज आएगी आई, बट इन लोगों को यार थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए बीच में, इन लोगों को अपनी डबिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। हालांकि यार इतनी बुरी भी डबिंग नहीं है, बट हाँ ये लोग और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं लाइक हंगामा की तरह। तो देखो मैं यार किसी को भी हेट वगैरह नहीं देना चाहता हूँ, इवन यहाँ तक कि मैंने सोनी को अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन किया है। तो अगर सोनी का कोई भी एम्प्लॉयर या फिर मैनेजर कोई भी बंदा अगर इस वीडियो को देख रहा है, रिस्पेक्टफुली यार आप लोग यार एक चीज कर सकते हो, हम लोगों को मूवीज देखनी है एंड हम आप लोगों को हर बार सपोर्ट करेंगे। बट यार प्लीज आप बीच में गैप ले लीजिए एंड और भी ज्यादा इंप्रूव करिए हमारे डबिंग को, ताकि यार और भी ज्यादा लोगों को पसंद आए। अब तुम लोगों का क्या कहना है इससे रिलेटेड, क्या इन लोगों को थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेना चाहिए एंड मूवीज दिखाना चाहिए या नहीं, तुम लोग जरूर कमेंट में बता देना। एंड एज अ यूट्यूबर यार मेरे को तो यार ज्यादा फायदा ही होगा ना, मूवीज आएगी तो कंटेंट मिलेगा मुझे, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। बट एज अ सिंचन फैन तो यार एक चीज तो यही मन में आती है कि ऐसी मूवीज आती रही तो हाइप क्रिएट नहीं होगी, एंड हाइप क्रिएट नहीं होगी एंड हाइप अगर गिर गई मूवीज की या फिर सिंचन की तो तुम लोग भी जानते हो क्या होगा। अभी के टाइम में तो सोनी पर यार एपिसोड्स के बारे में कोई पूछता ही नहीं है भाई, एपिसोड्स को उड़ा दिया, प्लेन में बिठा गया आसमान। अब देखो कोई भी हो किसी भी वीडियो के अंदर तुम लोग कमेंट में चले जाना है, दो कमेंट्स तुम लोगों को हर बार देखने को मिलेंगे। सिंचन की न्यू मूवी अगली कौन सी आएगी, मूवी का नया ओवरले आज आ गया है,
है एंड उनको और आगे की मूवीज के बारे में जानना है। ये किसी को नहीं जानना कि भाई न्यू एपिसोड्स कब आएंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जो चल रहा है वो भी नहीं पता उन लोगों को। बाकी अगर तुम लोग हंगामा को देखो तो भाई हंगामा के अंदर जो एपिसोड्स आते हैं भाई एटलीस्ट मैं अभी तक उन लोगों को स्टिल अभी तक देखता हूं एंड उनको देखने के बाद जो मजा आता है ना भाई कसम से वो जो ओपी लेवल का मजा होता है चुम्बेश्वरी भाई मजा ही आ जाता है। हमारे जो सोनिया पर जो ओल्ड एपिसोड आ रहे हैं भाई सीजन 18 या फिर सीजन 17 को रिकंटिन्यू किया जा रहा है। चलो अच्छा है मूवीज को दिखा रहे लोग, अच्छी बात है मूवीज देखने में और मजा आएगा, बट एपिसोड्स को भी इन लोगों को एडअप करते रहना चाहिए साथ के साथ। यार अगर ये लोग 2 महीने के अंदर ही 4-4, 8-8 मूवीज दिखा देंगे तो मजा उतना नहीं रहेगा जितना हम लोगों को लगना चाहिए था। तो यार तुम लोग बताओ यार 2 महीने के अंदर तुम लोग 4-4, 8-8 मूवीज चाहोगे या फिर 2 महीने के अंदर 1 या 2 मूवीज ऐसी जिसे देखने के बाद मजा ही कुछ और ही हो, जरूर से बताना एंड तुम लोग मेरी बात से एग्री करते हो या फिर नहीं, तुम लोग ये भी जरूर से कमेंट में बता देना। मैं किसी भी टाइप का हेट नहीं दे रहा यार सोनिया को, बस जो मेरे मन के अंदर की भड़ास थी या फिर जो भी मेरे अंदर का तुम लोगों को बताना था सारी चीजें मैंने तुम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बता दिया एंड यस कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, जो भी आप लोगों को लगता है वो आप लोग बता सकते हो। बाकी इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना ताकि सोनिया तक ये चीज पहुंच सके एंड और भी ज्यादा अच्छी अच्छी मूवीज हम लोगों को आगे देखने को मिले। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट न्यूज एंड अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।